Hey guys, welcome to Amrish Shetty Views और आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ रोहित शेट्टी की सबसे नई मूवी जो थी दीवाने। आज है मेरे साथ मेरा भाई मेरा दोस्त कबीर शेख। वेलकम टू आमिर शेख रिव्यूज और आज मुझे ये हेल्प करेंगे दिलवाले का रिव्यू। तो सबसे पहले कबीर आपको कैसी लगी मूवी? सब फाइटिंग्स ही अच्छी थी, बीच बीच में ही फाइटिंग्स थे और सब बोरिंग था। वेस्ट ऑफ टाइम, जैसे मैंने सोचा था इन्हें भी वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी मूवी है, बहुत बुरी मूवी है। बहुत मुझे बहुत बुरी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, पर जैसे उन्होंने कहा राइटिंग बहुत अच्छी है इस मूवी में, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं इस मूवी में, स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस मूवी में और जो इसमें बहुत बुरी है। तो सबसे पहले लेते हैं एक्टर्स के बारे में, तो आपको कौन सा एक्टर इस मूवी में सबसे बुरा लगा? सबसे बुरा क्यों? आई थिंक सर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी है, मतलब वो रोने का सीन नहीं था ना तो पर वो तो कुछ ज़्यादा ही था। बहुत वरुण धवन ने बहुत ओवर एक्टिंग कर दी और शाहरुख खान तो हर जैसे रोमांटिक हर मूवी में रहते वैसे ही है। कृति सैनन का एक्टिंग आपको कैसा लगा? उनका आई थिंक ओके था और काजोल का ठीक एक्टिंग है इस मूवी में। और कॉमेडी बहुत एक्टर्स हैं इसमें, जॉनी लीवर है, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, वरुण शर्मा। आपको किसका लगा अच्छा? अच्छा वरुण शर्मा, मुझे भी वही अच्छे लगे क्योंकि हर पूरे मूवी में सिर्फ उनका ही कॉमेडी अच्छा था और वो सेम रोल्स करते जाते पूरे मूवी में। इतने सारे कॉमेडियंस के बीच में सिर्फ उनका ही कॉमेडी मुझे अच्छा लगा। अब बात करते हैं सॉन्ग्स की, इसमें इक्वल गाने हैं, कुछ कुछ गाने गंदे हैं और कुछ कुछ अच्छे। अच्छे गाने तो मनमा इमोशन जागेरे गेरुआ, फिर एक सबसे मेरा फेवरेट जन्म 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 साथ जन्म तो वो सबसे बेस्ट गाना लगा मुझे पूरे एल्बम में। पर कुछ कुछ गाने बहुत बहुत अलग है, एक टुकुर 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 और एक गाना है तू मेरी प्रेमिका का, वो पूरा गाना अगर आप अच्छे से सुनोगे तो वो सेम कॉपी चल रहा रे 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 रे, सेम टू सेम है, इसलिए मुझे वो नहीं अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन की, तो रोहित शेट्टी ने बहुत सारी अच्छी मूवीज भी डायरेक्ट की पर उनके लास्ट दो मूवीज मुझे नहीं अच्छी लगी, चेन्नई एक्सप्रेस और सिंघम रिटर्न्स। आपको क्या लगता है उनका डायरेक्शन इस मूवी में कैसा था? इस मूवी में आई थिंक सो ठीक था, मतलब गंदा भी नहीं था अच्छा भी नहीं था, इक्वल था। मुझे भी वैसा ही लगता है क्योंकि उनके और स्टोरी भी इस इतना खास वो लिख नहीं पाए और उनके कोई कोई मूवी गंदे भी होते हैं और बुरी भी होती है और अच्छे भी होते हैं, जैसे सिंघम रिटर्न्स के ट्रेलर के बाद ही निकल गया था दिल में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायलॉग्स की, डायलॉग्स साजिद फरहाद ने लिखा है जो कि एंटरटेनमेंट मूवी के डायरेक्टर और डायलॉग राइटर, और उन्होंने रोहित शेट्टी की सारे मूवीज के डायलॉग लिखे और इसमें भी उन्होंने डायलॉग लिखे। बस इस मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छे डायलॉग सिर्फ संजय मिश्रा के, जो बोलता है अरे वो जो संजय मिश्रा जो कि दौड़ रहे हैं मतलब आधार कार्ड बना हुए, वो उनके डायलॉग सिर्फ अच्छे लगे, क्रिएटिव लगे इस मूवी में। आपको क्या लगता है किसके डायलॉग्स? और इस मूवी में जो मेन डायलॉग्स है वो सब तो ट्रेलर में हमें दिखा चुके हैं। और गाइस अगर आपने मेरा ट्रेलर रिव्यू नहीं देखा है इस मूवी के लिए तो प्लीज़ देखिए जाके मेरे चैनल पे, क्योंकि ये मूवी का ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस थे और हम लोग को इतना पता था कि अच्छा होने वाला है। हाँ जल्दी था बहुत, हाँ पर गाइस वेस्ट ऑफ मनी था, वेस्ट ऑफ मनी था। और मतलब प्लीज़ ये मूवी मत देखने जाइए। आपका कुछ फाइनल थॉट्स है कभी? प्लीज़ ये मूवीज मत देखना, ऐसे जो रोहित शेट्टी के अच्छे और बुरे मूवीज है प्लीज मत देखना। सिर्फ शाहरुख खान और वरुण धवन फैंस, अगर आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो प्लीज जाके अगर आप देख सकते हो तो देख लो, लेकिन जो लोग रिव्यूज देख के जाते हैं प्लीज
ये मूवी मत देखने जाइए, बहुत बुरी मूवी है। तो आप इसको मूवी, इस मूवी को 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से 1। मैं इस मूवी को 1 भी नहीं, मैं इसको हाफ आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि ये मूवी में मुझे बस एक चीज़ अच्छी लगी, वरुण शर्मा के डायलॉग्स और वरुण शर्मा का कॉमेडी। सिर्फ वो एक एक्टर थे जिनका अच्छा रोल था इस मूवी में। क्लाइमैक्स बहुत घटिया है, क्योंकि इस मूवी में कुछ क्लाइमैक्स में ज़्यादा एक्शन भी नहीं है। तो गाइस, चैनल लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये मूवी को इग्नोर करके नहीं जाएंगे और अपना पैसा बचाएंगे। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। इसके बजाय आप घर पर बैठ के हम देख लीजिए, क्योंकि उसका ही कॉपी लगता है ये मूवी मुझे। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये मूवी मुझे बहुत बहुत बुरी लगी। इसके बजाय बाजीराव मस्तानी देखने चले जाइए, बहुत ही अच्छी मास्टरपीस मूवी है। तो थैंक्स कभी मुझे हेल्प करने के लिए, इस रिव्यू के लिए। तो गाइस, मेरा चैनल, मेरा प्रीवियस रिव्यू बाजीराव मस्तानी का देखिए, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर। बाय गाइस।